हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल डीजे व्लॉग में। मैं हूं शब्द दोस्तों, और आज की इस वीडियो में दोस्तों आप सभी के लिए लेके आया हूं एक बहुत ही खास प्रोडक्ट। बेसिकली दोस्तों यहाँ पे ये होता तो सभी के पास है, एक इसका टैगलाइन भी है, होता तो सभी के पास है पर कोई बताता नहीं है। तो दोस्तों क्या नहीं बताता है वो ये है कि दोस्तों ये है HF बॉक्स। बेसिकली एक आपके साउंड में जो है वो एक मतलब कहते हैं ना कि किसी चीज़ की कमी है। अगर आप मोबाइल डीजे कर रहे हैं या फिर ट्रक में डीजे लगा रखा है तो इसके बिना मतलब वो मज़ा नहीं आता है। वो मतलब जो तीखापन होता है ना, जैसे आप खाना तो खा रहे हैं लेकिन उसके साथ में एक मिर्ची खा लें और वो तीखापन ही कुछ अलग होता है, तो वही तीखापन ये हमें देता है। और ओवरऑल दोस्तों यहाँ पे ये कैसे बनता है, इसका जो कि कैबिनेट है वो कैसी क्वालिटी में है। कैबिनेट भी आप ले सकते हैं, फ्लेयर के साथ में ले सकते हैं। दो मॉडल है मेरे पास, एक छोटा एक बड़ा है। अभी फ़िलहाल में ये बड़ा वाला है, छोटा वाला भी मॉडल मैं इसी वीडियो में आपको दिखा दूंगा। ओवरऑल फिटिंग भी पूरी मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं, और एम्पलीफायर के साथ में इसको कैसे चलाया जाता है, लगाया कैसे जाता है, सारी की सारी डिटेल इस वीडियो में होने वाली है। तो वीडियो काफ़ी अच्छी होने वाली है। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। चलते हैं वीडियो की तरफ, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं जो कि इसकी कैबिनेट है और कितना HF वाली कैबिनेट है वो भी मैं आपको इसमें बता देता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा दोस्तों, ये है 3 HF वाली कैबिनेट। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये 3 फ्लेयर के लिए जो है वो होल्स करे हुए हैं। अब बेसिकली दोस्तों ये जो कैबिनेट है वो अभी यहाँ पे कंबल बॉडी में है। आप चाहें तो पेंट में भी करवा सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेशन जो रहता है इन HF बॉक्स के लिए वो यहाँ पे कंबल ही रहता है, और सभी लोग जो है वो कंबल का ही मांगते हैं, क्योंकि इसमें कोई ग्रिल का काम तो होता नहीं है, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब कह लीजिए कि वो चाहिए, पेंट चाहिए, तो कंबल में ये काफ़ी अच्छा रहता है। बाकी रहती है बात दोस्तों इसके अंदर की क्वालिटी, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं पीछे के साइड में यानी 3 यहाँ पे जो कि इसके परत है यानी उसका यूज़ कर गया। पहला तो यहाँ पे ये पोर्शन हो जाता है जो कि सामने हमारे फ्लेयर को संभालता है। ये भी बेसिकली यहाँ पे पूरा का पूरा मैं आपको एक बारी ब्लेड से जो है वो काट के भी दिखा देता हूँ। ये जो है वो प्लाई यूज़ करी जाती है, पूरी भरी हुई रहती है ये प्लाई, और जो इसकी हम प्लाई अपनी बेस में, टॉप में, हर जगह यूज़ करते हैं वही प्लाई इसके अंदर यूज़ करी गई है। प्लस यहाँ पे जो कि पीछे का फ्रेम है, ये दोस्तों आप देख सकते हैं, ये फ्रेम हम HF के हिसाब से ही देते हैं कि HF जो है वो यहाँ पे जाके टिक जाए। अभी क्या रहता है कि बाकी सब क्या करते हैं कि ये 4 बस ठोका और वो दे दिया, तो यहाँ पे ये सपोर्ट नहीं देते हैं। ये सपोर्ट देने का मतलब ये रहता है कि आपका फ्लेयर जो है वो कमज़ोर भी है, तो ये जो सपोर्ट संभाल लेता है। और पीछे की साइड देख सकते हैं ये गुटका लगा रखा है, ये फेविकॉल का काम करा हुआ है, यानी यहाँ पे ये गुटके का काम रहता है, इससे और एक मजबूती बढ़ जाती है। बाकी यहाँ पे ये एक सपोर्ट दे रखी है, देख सकते हैं यहाँ पे सामने ये आ जाती है हमारी सपोर्ट, और यहाँ पे ये हो जाती है, ये पूरा का पूरा सपोर्ट पूरा का पूरा देख सकते हैं। एयर पास के लिए भी यहाँ पे भी दिया गया, देख सकते हैं ये भी साइड में लगा रखा है। तो कहीं पे भी मैंने कोई कंजूसी नहीं छोड़ी है, बहुत ही ज़्यादा जो है वो ध्यान से हमने इसमें काम करा है। साइड में हम 2 हैंडल देते हैं। आप चाहते हैं कि मुझे हैंडल नहीं चाहिए या फिर किसी और प्रकार का हैंडल आप मांगते हैं तो वो भी अवेलेबल है। तो दोस्तों यहाँ पे अभी जो कि प्रोसेस है वो रहता है, सबसे पहले आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पे सबसे पहला प्रोसेस रहता है कि आपको अपनी ये जो फ्लेयर है इस पर आपको ये टाइट करना है। अभी जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर मैं 2 कस रहा हूँ, दोनों अलग अलग है। ये वाला तो हमारा 150 वाट है, और जो दूसरा वाला है वो भी यहाँ पे ATI Pro का है, लेकिन यहाँ पे ये 80 वाट का HF है। आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे कहीं लिखा होगा 80 वाट, हाँ ये रहा, देख सकते हैं ये 80 वाट का है। ये 518 मॉडल होता है, ये 518 है, तो ये हम यूज़ करेंगे। इसके लिए भी जो है वो ये नेटवर्क प्लेट अलग आती हैं, ठीक है ना, ये वाली नेटवर्क प्लेट लगनी है। तो मैं आपको दोनों पहले तो फ्लेयर में इनके जो कि HF वो आपको टाइट करके दिखाता हूँ, उसके बाद जो कि प्रोसेस होगा वो नेटवर्क प्लेट कैसे कसेंगे, वायरिंग कैसे होगी, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे जो कि हमारा HF में फ्लेयर टाइट करना था वो हो गया है। ये तो हमारे 150 वाट वाले का है, देख सकते हैं यहाँ पे ये तीनों टाइट हैं, और ये जो है हमारा यहाँ पे ये टाइट है 518। अब दोस्तों यहाँ पे ये ध्यान आपको ये रखना है कि 518 में चूड़ी वाला लगता है, जो कि ये खुलने वाला होता है, ठीक है ना, ये खुलने वाला सिस्टम होता है, ये चूड़ी वाला होता है, ये फ्लेयर अलग आता है। और जो कि हमारा 750 हो गया, ये 150 वाट, ये इससे ऊपर के जो मॉडल होते हैं उनमें जो होता है वो बोल्ट्स वाला सिस्टम होता है, यहाँ पे हमने बोल्ट्स लगा रखे हैं, ठीक है ना। तो ये आपने ध्यान देना है कि फ्लेयर लेते टाइम या फिर आप कभी भी कोई भी HF कर रहे हैं तो उसके अंदर आपको किस टाइप का जो है वो यहाँ पे माउंट मिलता है, आप कौन सा माउंट उसके साथ में यूज़ कर सकते हैं, तो इस बात का आपको ध्यान देते हुए चलना है। अभी फ़िलहाल में तो ये हमारा काम हो गया है। अभी जो काम बचता है वो लगता है यहाँ पर हमारा नेटवर्क प्लेट सबसे पहले फिट करना और वायरिंग करना। चलिए वो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर वायरिंग हो चुकी है, मैं आपको वायरिंग समझा देता हूँ, एक बार आप यहाँ पर देख लीजिए। सबसे पहले दोस्तों हमारा जो है हमारा 150 वाट वाला यहाँ पे एक प्लेट लगा रखी है, एक प्लेट यहाँ पे हो जाती है और एक प्लेट यहाँ पे आप दे सकते हैं। इन दोनों को बिल्कुल एक के पीछे एक कर दिया है। अब कनेक्शन की बात करता हूँ, उधर से आप देख सकते हैं यहाँ पे वायर आ रही है, दो वायर आ रही है, दो वायर यानी पीछे की साइड जा रही है। तो सबसे पहले जो कि ये वाली प्लेट है हमारी दोस्तों, ये देख सकते हैं ये वाली जो प्लेट है दोस्तों, ये वाली प्लेट में हमने क्या करा है कि इससे मैंने इसको जंप कर दिया है। यानी यहाँ पे तो मैंने इनपुट करा ही करा, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इनपुट करा, इसको मैंने फिर यहाँ से एक वायर इसमें भी डाल दी, यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है ना। अभी क्या है कि HF के लिए HF यहाँ पे अड़ेगा तो मैंने एक यहाँ पे होल्ड करके उसको, इसके जो कि पीछे गोलाई है, इसका सपोर्टर है, वहाँ से मैंने HF को ये वायर दे दिया है। तो ये हो गया हमारा 2 का, और इसकी इन दोनों की सेपरेट वायर एक वहाँ पे गई है, वहाँ पे आप अंदर की साइड कनेक्शन कर दीजिएगा। बाकी इस वाले की जो कि है हमारी दोस्तों वो यहाँ पे है, ये इनपुट है, इनपुट वायर हमारी ये यहाँ पे है इसकी, ठीक है ना, ये यहाँ पे हो जाती है और ये हो जाती है हमारी यहाँ पे HF वाली। तो सिंपल कनेक्शन ये है और कोई भी ज़्यादा मतलब भारी काम तो नहीं है। खैर बोलने में तो ईजी रहता है, लेकिन जब आप करेंगे तो थोड़ा सा भी आपको मुश्किल लगेगा। मेरे को भी ऐसा लग रहा था कि बहुत ईजी है, लेकिन जब मैंने कनेक्शन करे तो थोड़ा सा मुझे भी यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल सा लगा, क्योंकि जब आप टाइट करते हैं तो जगह आपके पास बहुत ज़्यादा कम रहता है, वायर लगाने को जगह आपके पास कम रहता है, तो कैसे कैसे करके आप डालते हैं। सिंपल इसमें भी वही 3 यहाँ पे आप दे सकते हैं, हमने इसमें भी 518 में भी यहाँ पे पीछे की साइड प्लेट को टाइट कर दिया, ठीक है ना। यहाँ पे ये तीनों वायर को इकट्ठा निकाल के कर दिया और सेपरेट वैसे ही कनेक्शन करा जैसे उसमें करा है। ये इससे भी इजी वे होते हैं, इससे भी मुश्किल वे होते हैं, इससे भी कुछ और तरीके होते हैं, आप अपने हिसाब से देखिए। मैंने अपना हिसाब आपको बता दिया है। तो अभी जो कि हमारा काम रहता है वो रहता है हमारा HF लगाना और HF, चलिए सबसे पहले मैं इसमें लगा देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको लगाता हूँ, यानी वायर को मैं लगा के उसके बाद मिलता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे हैं अभी यहाँ पे वायर लग चुके हैं। सब में आपने ये ध्यान रखना है कि प्लस माइनस का आपका वायर बिल्कुल करेक्ट हो, और ये सब में लगा चुका हूँ। अभी चलिए जो कि है इनको रखने का तरीका वो मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल आपने वैसी प्रोसेस है, बस वायर यहाँ पर पीछे लेके लेगी और इसको रख देना है आपने। ये आ गया हमारा पहला, और ये भी वायर हम ध्यान से इसको लगा के रख लेते हैं भाई साहब। ये आ गया हमारा दूसरा, ये भी हो गया, और ये हो गया हमारा तीसरा। इसमें भी वायर को आपको ध्यान से, ताकि पीछे चले जाए वायर अड़े ना, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये भी हो गया हमारा तीसरा, लेते हैं 518 का 518। ये तो बहुत इजी है, इसमें कोई आपको बड़ी वो नहीं करनी है। ये रख दिया हमने, ये भी रख दिया हमने, ठीक है दोस्तों। और ये हमारा जो कि है तीसरा। चलिए जो कि लास्ट कैमरा रहा है वो इनका ऊपर का बोल्ट है, और यहाँ पे बोल्ट लगा के मिलता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे अभी जो कि हमारा HF बॉक्स है वो पूरा का पूरा तैयार हो चुका है। देख सकते हैं ये हमारा 150 वाट वाला है, और यहाँ पे जो रखा हुआ है ये तीनों के तीनों फ्लेयर के साथ में फिट, ये यहाँ पे हमारा 80 वाट का है। तो दोस्तों यहाँ पे बताना चाहूँगा ये सिंपल है प्रोसेस, जैसे कि टाइट करने वाला होता है वही आपने लगाया, लेकिन मैंने यहाँ पे पेच में भी थोड़ा सा जो है वो हेड वाले पेच को यूज़ करा ताकि पकड़ अच्छी बनी रहे। बाकी ओवरऑल यहाँ पे आपको कनेक्शन में यहाँ पे दिखा चुका हूँ। सिंपल है, आपने प्लस से माइनस मिक्स करना है, और पीछे से आप वहाँ पे जो कि तार है वो ये आ गई है, ठीक है ना। 2 तार मैंने यहाँ से निकाल दिए, तो ये आप सीधे अपने एम्पलीफायर में अटैच कर सकते हैं, या फिर आपको जिस टाइप से भी जैसे भी आपको अच्छा लगता हो उस टाइप से आप कनेक्शन करिए। बाकी रहती है बात दोस्तों यहाँ पे जो कि है इसकी टेस्टिंग और कैसा परफॉर्मेंस करने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे बताना चाहूँगा जो कि टेस्टिंग यानी स्पीकर ये कहाँ लगता है, तो ये जो आप रख रहे हैं ये 3/15 है, यानी 3/15 है। तो इसके अंदर HF नहीं है, तो उन्हीं पार्टी को ये सेम ट्विटर वाला बॉक्स जो है वो जा रहा है, तो वो ये सिंपल रखेंगे और इसके ऊपर वो रखेंगे। ये ज़्यादातर जो है वो वेस्ट बंगाल साइड जो होता है हमारे वहाँ पे चलता है, असम, वेस्ट बंगाल, यहाँ पे कोलकाता, उस टाइप का यहाँ पे ये लुक जो है वो डीजे का रहता है। लेकिन अभी फिलहाल में जो कि टेस्टिंग है वो मैं आउटडोर में करने वाला हूँ, सिर्फ और सिर्फ हमारे 150 वाट के HF बॉक्स के साथ में। 150, 150, 300 और 150 प्लस 450 वाट जो होगा वो हमारा होगा एम्पलीफायर। आपको मैं रिकमेंडेड करूँगा यहाँ पे 500 से ऊपर 800, 1000 तक आप एम्पलीफायर इसके साथ के लिए लेके चलिए। चलिए जो कि यहाँ पे टेस्टिंग आउटडोर की वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे लगाने वाले हैं। बैटरी पे मैं कनेक्शन करने वाला हूँ बेसिकली, और एक एम्पलीफायर है हमारे पास 500-600 वाट का, उस पर मैं इसको चलाने वाला हूँ। चलिए टेस्टिंग देख लीजिए। चालू कर दो। हाँ तो दोस्तों कैसी लगी टेस्टिंग, मुझे उम्मीद है पसंद ही आई होगी। दोस्तों कैसा करा इसने परफॉर्मेंस, जरूर नीचे कमेंट बताना। बाकी दोस्तों यहाँ पे ओवरऑल आप इसका यूज़ समझ चुके होंगे कि काफ़ी लंबी डिस्टेंस अगर आपको ऑडियो पहुँचानी है अपने डीजे की, तो आप ये सिर्फ और सिर्फ दो या एक बॉक्स भी लगा लेंगे ना, बल्ब निखार सा आ जाएगा आपके साउंड में, कुछ अलग ही फील आएगा। बाकी ओवरऑल दोस्तों बात करते हैं हम यहाँ पे किसकी प्राइसिंग डिटेल्स और ये सारे बारे में। तो यहाँ पे 150 वाट के टेस्टिंग दिखाया है मैंने, अभी आपको 80 वाट का जो टेस्टिंग है अगर आप बोलते हैं मुझे तो मैं आपको फेसबुक या इंस्टाग्राम पर डाल दूँगा, उसके लिंक भी नीचे दे दूँगा। प्राइसिंग की बात कर लेते हैं दोस्तों, 150 वाट का जो है वो HF का प्राइसिंग अलग आप ले सकते हैं, HF भी चाहिए आपको अलग मिल जाएगा। आप चाहते हैं कि कंप्लीट ये वाला बॉक्स चाहिए, कंप्लीट बॉक्स का नीचे मैं प्राइस डाल देता हूं। रहती है हमारी बात 80 वाट की, तो इसका भी आप कंप्लीट या फिर अलग से HF लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। और इसके अलावा भी एक और ऑप्शन मैं आपको देता हूं जो कि हमारा खाली कैबिनेट, ये खाली कैबिनेट है, इसके अंदर HF नहीं है, इस बात का आपको ध्यान है, HF नहीं है, सिर्फ फ्लेयर मैंने ऐड करा है। खाली कैबिनेट भी आप इसमें ले सकते हैं, एक ऑप्शन और इसके अंदर मैं दे रहा हूँ खाली कैबिनेट में, कि फ्लेयर का जो कलर है वो आप भी चूज़ कर सकते हैं। 2-3 कलर आते हैं, ब्लू, ऑरेंज, एक आध कलर और आता है, तो आप उसके हिसाब से भी ले सकते हैं। लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि आप ब्लैक ही रखिए, तो मतलब एक लुक आता है पूरे डीजे का। बाकी ओवरऑल आप इसको अपने डीजे के टॉप के साथ भी लगा सकते हैं, अगर आप ऑलरेडी HF भी यूज़ कर रहे हैं और थोड़ा सा आपको इम्प्रूव चाहिए तो आप ये दो जो कि बॉक्स हैं ये आप लेके चला सकते हैं। और खाली कैबिनेट 80 वाट का और 150 वाट का ये ऑप्शन मैं आपको देता हूँ, प्राइसिंग नीचे डिटेल दे दूँगा मैं। बात करते हैं फ़ोन नंबर भी नीचे दे दूंगा, आप यहां पे आके विजिट करना चाहते हैं, वहां का एड्रेस यानी हमारी शॉप का भी आपको एड्रेस मिल जाएगा। ओवरऑल दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, थोड़ा सा अगर मेहनत लगी हो तो शेयर ज़रूर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे और भी कॉन्टेंट आने वाले हैं बहुत जल्दी। मिलता हूँ किसी और एक अच्छी वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।